तो ये आज का पहला ईटी हमारा, ये हमारा ईटी रहा करेगा सेशन 2021 एंड इशू फर्स्ट। ठीक है, ये वो चीज होगी बेटा जो आपको एग्जाम में वो एक्स दिलाएगी जो किसी बच्चे के पास नहीं होगी, मतलब किसी बच्चे के पास मतलब इस ग्रुप के अलावा किसी के पास नहीं होगी, ये वो चीज होगी। ठीक है ना, तो सर पहला टॉपिक था कि ऑक्सफैम ने बोला है कि ये जो नेट जीरो कार्बन की तुम लोग बातें कर रहे हो ना, ये धोखा है बेटा, ये धोखा है, नेट जीरो कार्बन से कुछ नहीं होने वाला। इस ये एक वेरी व्हाट इट इज अ वेरी डेंजरस, इट इज अ वेरी डेंजरस डिस्ट्रेक्शन, इट इज अ वेरी डेंजरस डिस्ट्रेक्शन है ना, फ्रॉम व्हाट प्रायोरिटी ऑफ कटिंग डाउन एमिशन। सो सर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कटिंग डाउन एमिशन एंड नेट जीरो एमिशन। पहले हम लोग समझ लेते हैं ये होता क्या है। देखो जब हम लोग बात करते हैं नेट जीरो की, जब हम लोग बात कर क्या सीन है बेसिकली कि नेट जीरो एमिशन की जब हम लोग बात करते हैं तो दो तरीके का अलग अलग सीन है बेटा। दो तरीके का अलग अलग सीन मतलब कि अगर हम लोग ध्यान से समझें इस बात को तो क्या हुआ सर, एक होता है नेट जीरो एमिशन, एक होता है कटिंग द कार्बन एमिशन है ना, द सीओ टू एमिशन। सो व्हाट इज द डिफरेंस, व्हेन आई से नेट जीरो एमिशन, इट इज अबाउट कि जरूरी नहीं है कि तुम अपने एमिशन को जीरो करो, जरूरी है कि तुम इतना जितना एमिशन कर रहे हो, तुम जितना एमिशन कर रहे हो उतना व्हाट वी कैन से कार्बन प्रोडक्शन ए या तो तुम कहीं से बचा रहे हो, बी या फिर उतने पेड़ लगा रहे हो तो उससे कार्बन एब्जॉर्ब हो जाए। एंड दैट इज नॉट ओनली इन योर कंट्री, नॉट ओनली इन योर कंट्री, अक्रॉस द ग्लोब। सो लाइक से इफ इफ चाइना चाइना इज डूइंग व्हाट वी कैन से इफ 1000 मेट्रिक टन ऑफ या फिर वो क्यूबिक क्यूबिक सेंटीमीटर या क्यूबिक मीटर ऑफ CO2, एंड ये 1000 क्यूबिक मीटर ऑफ CO2 अगर चाइना प्रोड्यूस कर रहा है तो इसको इसको कम करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि चाइना के अंदर आज जितने पेड़ हों उसके हिसाब से चाइना बोले कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है, 600 क्यूबिक मीटर CO2 एब्जॉर्ब हो सकती है, और हम लोग इसको आने वाले 10 साल या 15 या 20 साल के अंदर, ध्यान से देखना, आने वाले 20 साल के अंदर हम लोग इसको बढ़ा लेंगे 2000 के आसपास। और जब हम इसको 2000 के आसपास बढ़ा लेंगे तब जाके ये हो सकता है कि हमारा तब भी ये 1200 रहे तो या 1500 रहे, तो उस टाइम 1500 के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये 500 क्यूबिक मीटर CO2 को एब्जॉर्ब करने के लिए किसी और कंट्री में या तो इन्वेस्टमेंट कर देंगे या वहां पे कुछ ऐसे प्लांट लगवा देंगे सोलर पैनल वाले कि वो लोग उतनी CO2 प्रोड्यूस ना करें। और जब वो लोग CO2 प्रोड्यूस ना ही करेंगे, मतलब हम ऐसे हिसाब लगाते हैं ये लोग कि अगर किसी देश में इन लोगों ने मानो कि 100 मेगावाट के सोलर पैनल लगवा दिए, तो 100 मेगावाट का अगर प्लांट प्लांट है तो ये लोग उसको अंदाजा लगाते हैं कि अगर उसको हम लोग कोल से या किसी और चीज से चला रहे होते तो कितना धुआं होता, और उतना धुआं क्योंकि नहीं हो रहा है इसलिए हम उतने धुएं को माइनस कर लेंगे, और ये उसको इसमें से माइनस कर लेते हैं तो ये मान लेते हैं कि भैया हमारा हम लोगों ने 2000 क्यूबिक सेंटीमीटर CO2 प्रोड्यूस एब्जॉर्ब कर ली, इसलिए हमारा नेट जीरो कितना हो गया, नेट हो गया जीरो। समझ में ये वाली बात जो मैंने बोली अब तक? हैंड रेज करने से कुछ नहीं होगा है ना, हैंड रेज करने से कुछ नहीं होगा क्योंकि हैंड रेज में देखता ही नहीं जब चीज, आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, बहुत बेहतर। एक या दो बच्चे कह रहे हैं जिनको समझ में नहीं आई, बाकी सबको समझ में आ गई। मैं दोबारा समझाता हूँ, दोबारा समझाता हूँ, छोटी सी बात, नो बकवास, स्प्राइट क्लियर है। भैया तुमने एक्स अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस करी माइनस एक्स अमाउंट ऑफ उसको एब्जॉर्ब करने की बात कर दी, नेट जीरो, नेट तुम्हारा क्या हो गया, नेट तुम्हारा जीरो हो गया, बट इसका मतलब ये नहीं हुआ कि तुमने एक्स में कोई कमी करी। हो सकता है सर जो 500 वो 1500 में से है ना, हाँ बेटा 1500 प्लस 500 कर दिया ना उनने, क्योंकि जो 500 बचा था वो 1500 में प्लस कर दिया बेटा, वेरी गुड। इसको कहते हैं तमीज का डाउट कि सर एग्जैक्टली ये बात समझ में नहीं आई, वेरी गुड पिरनी, वेरी गुड बेटा है ना, ये डाउट पूछेंगे बेटा तो बड़ा अच्छा लगता है, इसका मतलब होता है कि इसके समझ में नहीं आया तो एग्जैक्टली आपने क्या पूछा, तो फिर वो 2000 हो गया। तो ये हुआ बेटा नेट जीरो कार्बन। बट कमिंग कमिंग टू द सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट ऑक्सफैम हैज सेड दैट कि सर क्या फर्क पड़ता है सर आपका नेट जीरो वेट जीरो से। सवाल ये कि अगर आप आज 1000 क्यूबिक मीटर CO2 प्रोड्यूस कर रहे हो तो क्या आपने आज से 20 साल बाद इसको 500 पे लाए कि नहीं लाए, अगर आप इसको 500 पे नहीं लाए तो क्या ही फर्क पड़ता है, आर यू गेटिंग इट, क्योंकि आप उतनी CO2 प्रोड्यूस कर ही रहे हो, ग्रीन हाउस गैसेस उतनी प्रोड्यूस कर रहे हो, और जब आप उतनी ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस कर रहे हो तो दुनिया तो गर्म होने की है। क्लियर हो रहा है, मैं ऐसे क्लियर हो रहा है, कह रहे सर सिग्नल क्यों चेंज करते हो, आपने ऐसे पूछा, क्लियर हो रहा है तो ऐसे हम हाँ या ना करते हैं, ऐसे करो तो बता देना हाँ या ना, ठीक है, क्योंकि तुम लोगों को क्लियर नहीं होगा तो पढ़ाने का फायदा नहीं। तो ये हुआ, तो बेसिकली अगर आप समझना शुरू करें इसके अंदर पूरी कहानी तो पहले आर्टिकल देखते हैं फिर इन्फोग्राफिक्स देखेंगे। इन्फोग्राफिक्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल, क्योंकि सर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कट डाउन करने से, मतलब बेटा कट डाउन करने से फर्क
सर व्हाट 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 सर व्हाट इज 600 सेंटीमीटर क्यूब? बेटा वो सेंटीमीटर क्यूब नहीं, वो मीटर क्यूब लिख दिया था मैंने, मतलब लाइक वाइज कि अगर 1000 मीटर क्यूब जो है CO2 प्रोड्यूस कर रहे हैं और यहाँ से 600 मीटर क्यूब अगर एब्जॉर्व कर रहे हैं तो उनका 400 मीटर क्यूब बचा ना, तो उसको नेट जीरो कैसे करेंगे, वो वाली बात हो रही थी। ठीक है, मैं और डाउट देख लेता हूँ, दो चार अच्छे डाउट आ गए हैं क्योंकि डाउट ही सर जो हमने नेट जीरो करेंगे तो वो दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट करना करके होगा, कहीं भी इन्वेस्ट कर दो तो पूरी धरती पे करना है बस। थोड़ा धीरे बोलो। हाँ वेरी गुड, व्हाट इज 600 मीटर सेंटीमीटर मीटर क्यूब तक करना है, मतलब ये कहाँ था बेटा, ने क्या पूछा बच्चे ने, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कट डाउन करने से, मतलब पीयूष विनय से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब क्योंकि आप ये वाला नेट जीरो से, वो लोग ऑक्सफैम ऐसा कह रहे हैं कि नेट जीरो से फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक की कहानी हो गई। अब हम लोग कुछ डेटा याद कर लेते हैं क्योंकि हमारे पेपर में डेटा भी आ जाता है, तो यहाँ से शुरू करते हैं कहानी। छोटी सी बात कि ऑक्सफैम ने कहा है कि नेट जीरो कार्बन जो है टारगेट जो मैनी कंट्री बहुत सारे देशों ने अपना रखा है वो डेंजरस डिस्ट्रेक्शन है, और प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, प्रायोरिटी होनी चाहिए कटिंग कटिंग कार्बन एमिशन, कार्बन एमिशन को कम करने की प्रायोरिटी होनी चाहिए, जो हम लोगों ने यहाँ पे बात करी। एडिट टू दैट ये जो स्कीम है, इस स्कीम को ये लोग बेसिकली लैंड हंग्री नेट जीरो स्कीम कहते हैं, क्योंकि क्या होता है इसकी वजह से कुड फेस 80% राइज इन ग्लोबल प्राइस फूड प्राइस एंड मोर हंगर। ऐसा क्यों होगा, कोई बता सकता है अपने कॉमन सेंस से कि जब ये आप नेट जीरो एमिशन कर रहे हैं तो वो लैंड हंग्री स्कीम कैसे है? एनीवन, बहुत प्यारी बात है। नोमन, माइक ऑन तो नहीं कर सकते, तुम लोगों ने बंद कर दिया। यस और नो में जवाब दो। ये नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं बेटा, हम बैठे हैं यहाँ पे। नहीं, बिकॉज ऑफ नहीं। वेरी गुड, दिया पहला जवाब, बहुत बढ़िया। नहीं, ओह तनीषा बेटा ये तो बहुत ही गलत जवाब हो गया। नहीं नहीं बेटा, ये बहुत आगे बात निकल गई। नहीं बिल्कुल नहीं, अभी तक दिया का जवाब सही आया बेटा। यहां से समझ में आएगा कि आप लोगों का कॉमन सेंस कैसे चलता है। नहीं नहीं शिवानी, नहीं, वो कह रहा है लैंड हंग्री नेट जीरो है ना, हाउ कैन इट बी लैंड हंग्री। अरे बाकी सब लोग क्या करते हो तुम लोग यार, मैंने जवाब मांगा, 6 बच्चों का जवाब आया, बाकी सब बेटा नहीं होगा सिलेक्शन अगर पार्टिसिपेट नहीं करोगे क्लास में, तो मैं कैसे लिख के दूं क्या ये बात, क्या चाहते हो अगली साल फिर मुझको फोन करके कोई ना कोई बच्चा बोले कि सर ओ, हमने तो सब किया था। कहाँ किया था सब, वेरी गुड, 12th कॉमर्स, वेरी गुड जगजीत राज, क्यों नहीं लिख के देते हैं सब लोग। और मैं ऐसे ही गुस्सा करूंगा, मैं बता रहा हूं, मैं पैसिव, आई डू नॉट डू पैसिव टीचिंग, मैं पैसिवली नहीं पढ़ाता था, ना पढ़ाता हूं ना पढ़ाऊंगा, आई टीच एक्टिवली एंड दैट इज वाई मैं सीधी बात करूंगा कि सर ये हो रहा है। Does it mean reducing carbon emission by industry? Exactly, फिर नहीं। So, बेटा क्या हुआ? दो तीन बच्चों ने बहुत सुंदर जवाब दिया। पहला सर क्या होगा? Land, this is, question आ जाएंगे उत्तर के फिर, है ना? Exactly, है ना? Very good, शिवानी। पहला कि भैया ट्रीज बढ़ जाएंगे यार, जहां जहां पे खेत थे वहां पेड़ हो गए, खेत की जगह पेड़ होते जा रहे हैं, खेत की जगह पेड़ होते जा रहे हैं, अभी पेड़ होते जाएंगे खेत की जगह तो क्या करेंगे अपन लोग। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इसके साथ साथ और क्या बढ़ेगा भाई, सोलर पैनल्स कितनी जगह लेते हैं तुमको पता ही है, पूरा 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 कितनी बड़े बड़े एरियाज को ले जाते हैं सोलर पैनल जब आप लगाते हो, तो क्योंकि सोलर हीट से बनाना होता है तो सोलर पैनल कितना एरिया ले जाते हैं। इस प्रॉब्लम को मिटिगेट करने के लिए अभी गवर्नमेंट, धीरे बोलो, इस प्रॉब्लम को मिटिगेट करने के लिए अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है बताओ, ऐसे ही पूछूंगा बेटा, वो क्लास नहीं चल रही कि तुम आराम से अपनी रजाई के, कितने लोग, चलो अपने मन में बताना बस, तुम में से जो जो इस टाइम अपने पलंग पे बैठ के आराम से पढ़ रहा है ना, कुर्सी पे टेक लेके ऐसे, है ना, वो गलत कर रहा है, वो गलत कर रहा है, मैं बता रहा हूँ, ऐसे पढ़ाई नहीं होगी। तुम में से जो जो इस टाइम पे अपने आसपास कॉपी पेन लेके नहीं बैठा है कि बाई चांस तुमको कुछ याद आ जाए तो तुम्हें चेक करना हो, वो गलत कर रहा है। तुम में से जो जो इसको क्लास मान के नहीं पढ़ रहा है वो गलत कर रहा है। तुम में से जो जो पानी बगल में रख के नहीं बैठा है वो गलत कर रहा है। मैं फिर बता रहा हूँ, ऐसे पढ़ाई नहीं होती, और मैं ही हूंगा जो बता रहा हूँ, बाकी लोग नहीं बताएंगे। तुम में से जो जो इस टाइम पे आराम से कुर्सी पे ऐसे बैठ के पढ़ रहा है, फोन ऐसे देख के पढ़ रहा है, वो गलत कर रहा है बेटा। अगर तुम्हारे आसपास अगर नहीं है रिसोर्सेज पे, सर घर में टेबल कुर्सी नहीं, जमीन पे बैठ के पढ़ो, है ना, ऐसे नहीं होगी बेटा पढ़ाई। अभी 2 महीने बाद दिसंबर में पता पड़ा, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मैंने कैमरा ऑन कराया, आधे तो रजाई के अंदर है, मैंने कहा अंधेरा क्यों हो रहा है बेटा तुम्हारी वीडियो में, सर वो रजाई से नहीं निकले, है ना। पिंकी प्रॉमिस बेटा, वेरी गुड पिंकी प्रॉमिस, अपन तरीके से पढ़ाई करेंगे, एक्टिव जिंदगी जियेंगे, वेरी गुड।
तो चलो ये हो गया, इसके बाद आगे चलते हैं कटिंग एमिजन हो गया, लैंड हंग्री नेट जीरो स्कीम समझ में आ गई, सो 80% ऑफ द राइट इन ग्लोबल फूड हो जाएगा ठीक। एंड इसके बाद में आगे चलते हैं, ये समझ में आ गया, विच कंट्री हैव रिसेंटली अनाउंस नेट जीरो टारगेट, ये इंपॉर्टेंट है, पेपरों में आ जाता है। पहला धीरे बोलो, न्यूजीलैंड ने, न्यूजीलैंड गवर्नमेंट, इतनी तेज बोल रहा हूँ तो भी काम चल रहा है आप लोगों का, सो इम्पोर्टेंट दैट न्यूजीलैंड गवर्नमेंट हैज पास्ड जीरो कार्बन एक्ट, और इन लोगों का कहना था कि हम 2050 तक नेट जीरो हो जाएंगे। 2050 तक नेट जीरो होने की जरूरत क्यों होती है, 2050 तक नेट जीरो होने की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड का जो कमिटमेंट था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड में बोला गया था कि हम लोग 2050 तक वर्ल्ड को नेट जीरो करने की बात करेंगे ठीक है। सो ये सब बात चल रही है, यूके ने भी बोल दिया कि हम नेट जीरो होंगे। इसके बाद अगर आगे चले हम लोग तो यूएस ने क्या बोला है कि वो लोग अपने एमिशन का बाय एटलीस्ट 50% बिलो 2005 लेवल बाय 2030 कर लेंगे ठीक है ना। 2005 में जो उनका लेवल था, सो अमेरिका ने क्या बोला, अमेरिका ने बोला कि 2005 के लेवल का 50% हम लोग 2030 तक कार्बन को नेट जीरो कर देंगे ठीक है। ये हो गया, एंड देन इसके बाद में ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट बिकॉज दे हैव स्टार्टेड एंड लॉन्च्ड एन ऑर्गेनाइजेशन बायपार्टिसन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायपार्टिसन एनीवन? ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड वर्ल्ड वॉर जीरो है ना, याद रखना ये इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं। अगर किसी चीज पे मैं ऐसे करके हैशटैग बना दूं तो वो पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जैक्टली सामर्थ, वेरी गुड ठीक है। 2016 में हुआ था पेरिस अकॉर्ड की 2015 में हुआ था पेरिस अकॉर्ड या 2005 में हुआ था पेरिस अकॉर्ड, एनीवन? पंद्रह, वेरी गुड ठीक है सामर्थ, इसको सही कर लीजिएगा, 15 में हुआ था। वापस आते हैं दोस्तों हम लोग अपने मुद्दे पे, तो यहां तक हमको क्लियर हो गया कि क्या इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, वर्ल्ड वॉर जीरो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाईपार्टिसियन? वेरी गुड अनुपमा, वेरी गुड बेटा है ना, वेरी गुड, वेरी गुड इशिता, वेरी गुड। अगर इस तरीके से पढ़ोगे बेटा बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा किया, वेरी गुड है ना। टू पॉलिटिकल पार्टी दैट यूजुअली अपोज ईच अदर है ना, नॉट पार्टिशियल, टू पार्टीज, वेरी गुड बेटा ठीक है। जो भी चीज समझ में ना आए अपने लिए वो क्लियर करके चलना, तो ये हो गया। एंड देन बेटा ये उतर के आने वाले क्वेश्चन होते हैं कि हु स्टार्टेड दिस कैंपेन फिट फॉर 55। सो यूरोपियन यूनियन स्टार्टेड दिस कैंपेन दैट इज नोन एज फिट फॉर 55, एंड इन दैट व्हाट दे डिड दैट दे सेड दैट दे विल कट देयर एमिशन बाय 55% है ना बिलो 1990 लेवल, दैट इज गुड, एंड है ना बाय 2030। तो वो लोग क्या करेंगे कि अपने एमिशन को ही 55% कट कर लेंगे। सो दिस इज गुड थिंग, दिस इज गुड थिंग बिकॉज इसमें वो लोग नेट जीरो नहीं कर रहे हैं, वो लोग क्या बोल रहे हैं हम लोग कट कर लेंगे। एंड उसमें क्या हो रहा है, उसमें वो लोग बोल रहे थे कि नेट जीरो करेंगे। यहां तक जो मैंने पढ़ाया आप सब लोगों को समझ में आया? देन इसके बाद में चाइना अनाउंस दैट इट विल डू नेट जीरो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, तो हमको याद करना है व्हाट डू यू मीन बाय नेट जीरो। नेट जीरो मींस व्हिच आल्सो रिफर्स एज कार्बन न्यूट्रलिटी। अभी तो तुमको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया, कार्बन न्यूट्रलिटी मतलब कि कार्बन का टोटल प्रोड्यूस और टोटल एब्जॉर्ब भी न्यूट्रल कर देंगे, दैट वुड बी ग्रॉस जीरो नॉट नेट है ना। सो डज नॉट मीन दैट अ कंट्री वुड ब्रिंग डाउन इट्स एमिशन टू जीरो, दैट वुड बी ग्रॉस जीरो अगर टोटल है ना, विच मीन्स दैट रीचिंग अ स्टेट वेयर देयर आर नो एमिशन एट ऑल, तो वो नहीं कर रहे हैं वो लोग ठीक है। विच इज अ वेरी हार्ड सिनेरियो टू कॉम्प्रिहेंड, देयरफॉर अ नेट जीरो इज स्टेट इन विच कंट्री एमिशन आर कंपनसेटेड बाय एब्जॉर्प्शन एंड रिमूवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस फ्रॉम द एटमोसफेयर ठीक है। यहां तक की कोई कहानी, किसी को कोई डाउट? यहां तक समझ में आ गया? मैं थोड़ा स्पीड पकड़ लूं बेटा, ग्रॉस और नेट छोटी सी बात हुई ना, ग्रॉस जीरो का मतलब हुआ कि वो देश CO2 प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा है ना, ग्रीन हाउस गैसेस CO2 प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा है, दैट इज ग्रॉस जीरो। सर टेक टीच इन कल वाला फ्लो प्लीज, एकदम अटेंशन ग्रैब कर लेता है। हाँ बेटा, अच्छा थैंक यू वेरी मच, हो थैंक यू वेरी मच आयुषी। एंड नेट जीरो का मतलब टोटल, जैसे कि 100 प्रोड्यूस करा तो 100 एब्जॉर्ब कर लिया, सो इज इक्वल टू नेट जीरो, डन। ठीक है बेटा, इस टॉपिक के बाद हम कल वाले में आते हैं ना, इसके बाद हम कल वाले पे आते हैं, पहले ये पूरा कर लेते हैं। सो ये हो गया नेट जीरो, देन इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, तो भूटान की बात। ये क्यों बेटा मुझे पढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि ये मुझे याद करवाना है आप लोगों को है ना। भूटान हैज अ नेगेटिव एमिशन बिकॉज इट एब्जॉर्ब मोर देन इट एमिट, यहाँ तक क्लियर हो गया। व्हाट द रिपोर्ट सेज की ब्ला ब्ला ब्ला, कोई फर्क नहीं पड़ता। द रिपोर्ट एम्फसाइज दैट रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन कैन नॉट बी कंसीडर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर कटिंग एमिशन एंड दी शुड बी काउंटेड सेपरेटली, क्लियर। तो ये हो गया, एंड साथ में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक लिंक था, आप लोग इसे खोल के प्लीज देखिएगा।
ठीक। अच्छा इसके बाद हम लोग पहले इस आर्टिकल को पढ़ लेते हैं। ऊपर जो इन्फोग्राफिक्स थे वो तुम लोगों को समझ में आ गए थे कि मैं समझाऊं? ओहो, हाउ कैन अ कंट्री एब्जॉर्ब मोर देन इट्स एमिट। क्या बात करती बेटा, भूटान कार्बन नेगेटिव कंट्री है, उसके अंदर ये भूटान मानो, अगर दिस इज भूटान तो भूटान के अंदर इफ प्रोडक्शन इज बेसिकली 100 मेट्रिक वो मीटर क्यूब है ना, इफ 100 मीटर क्यूब इज प्रोडक्शन ऑफ CO2, तो इन भूटान दे आर बेसिकली एब्जॉर्बिंग अराउंड 200 से भी ज्यादा, क्योंकि वहां पूरे में पेड़ ही पेड़ बेटा, पूरा जंगल जंगल, पूरे में जंगल जंगल भूटान है ना। कार्बन नेगेटिव समझ में आ गया? 533740। अच्छा दीपिका समझ में आ गया? एग्जैक्टली पिरनी, वेरी गुड पिरनी, वेरी गुड पिरनी बेटा। वेयर आर यू फ्रॉम? एटमॉस्फेयर में से ग्रीन हाउस गैस रिमूव कैसे होगा? वेरी गुड। सो एटमॉस्फेयर में से ग्रीन हाउस गैस रिमूव होने का बड़ा हल्की सी बात भैया, सर एक्स्ट्रा कहाँ से आएगा? बट अरे ओ भैया वो ओ, ये बहुत दुख हो रहा है, तुम लोग सोचते नहीं। अरे और भूटान थोड़ी बंद है ऐसे करके आसमान में, कि यहाँ इंडिया बगल में और यहाँ पे अगर बांग्लादेश है तो उनकी हवा नहीं आ रही उसके पास। क्या बंद है क्या भूटान चारों तरफ से, कि नहीं मेरी ऊपर की हवा साफ हो गई? इंडोर बैडमिंटन कोर्ट है क्या? पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके, सरहद तो इंसानों के लिए थी, देखो तुमने मैंने क्या पाया इंसान होके, याद है? थोड़ी बंद बंदे भूटान पड़ते। ओ भैया ये तुम्हारे यहाँ की हवा नहीं आएगी सर, चीटिंग कर रहे हो सर, हमारे यहाँ की चली गई सर, उसको वापस लो सर। ये ऐसे कैसे करोगे यार, बहुत टेंशन हो जाएगी भूटान को, दुनिया में सब लोगों को। अरे अंदर नहीं आना। ठीक चलो अब यहां से समझना शुरू करते हैं। इन्फोग्राफिक्स में से जो जो याद करना है, अ पर्पस है ना, आ प्रॉस्परस नेट जीरो एमिशन इकोनॉमी बाय मिड सेंचुरी इज मिशन पॉसिबल। कैसे कैसे, छोटी छोटी बातें जो जो याद रखना। फ्लेक्सिबल जीरो कार्बन मोबिलिटी, पहला जीरो कार्बन मोबिलिटी मतलब कि भैया अगर हमारे यहाँ हम जीरो कार्बन नहीं कर पा रहे तो दूसरे, नहीं जीरो कार्बन मोबिलिटी मतलब एक तो कि हमारे यहाँ कार्बन जीरो नहीं कर पा रहे तो दूसरे यहाँ क्या जाके कर ले है ना, एंड दूसरा उसके बाद में कि ये जो ट्रांजिट है ना सर, नेगेटिव होने से प्रॉब्लम है क्या? नहीं बेटा नेगेटिव होना अच्छी बात है, प्रॉब्लम क्यों होगी? ठीक है ये जो ट्रांजिट्स हैं इनको हम मिनिमम कार्बन पे रख पाए। ठीक, जीरो एमिशन ऑफ सर्कुलर गुड एमरजेंट क्लीन एनर्जी सस्टेनेबल ब्ला 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 ब्ला, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ये सब तुम लोग पढ़ लेना, ये बालों को वाली बात है, इसके अंदर कुछ भी समझाने को नहीं है। कैसे कैसे हो सकता है नेट जीरो, सस्टेनेबल नेचुरल इकोसिस्टम तुम लोग समझ जाओगे, बस यहाँ से देख लेना। अबंडेंट क्लीन एनर्जी की अगर बात करें, देन इसके बाद में जीरो एमिशन ऑफ सर्कुलर गुड्स, एंड देन इसके बाद में फ्लेक्सिबल जीरो कार्बन मोबिलिटी, जैसे कि मैंने बताया कि एक जगह से दूसरी जगह जो जा रहे हैं है ना। नेगेटिव क्यों अच्छा है सर? अबे नेगेटिव अच्छा क्यों नहीं होगा, तुम जितना प्रोड्यूस कर रहे हो कार्बन उससे ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहे हो, तो तुम एटमोसफेयर के लिए अच्छा नहीं कर रहे हो? हाई क्वालिटी एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग, ठीक है ये समझ में आ गया, एंड देन ये पूरी कहानी हो गई। यहां तक किसी को कोई डाउट जो समझाया? एकदम अच्छा है हृतिक, वेरी गुड, एकदम अच्छा है भाई। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं? वेरी गुड, हाँ ठीक है। थ्री स्टेप फॉर नेट जीरो कार्बन इकोनॉमी, बस ये याद रखना, यूज क्लीन एनर्जी एवरीवेयर, स्केल अप क्लीन एनर्जी प्रोविजन, एंड यूज लेस एनर्जी बट ऑफ वेस्ट। ठीक है कार्बन मोबिलिटी, जगदीश राज ये तो रहा सामने, फोटो देख के समझ में आ जाएगा। कार्बन जीरो कार्बन मोबिलिटी, ये मोबिलिटी, कार्बन फ्री लॉन्ग ह्यूल ट्रांसपोर्ट, कार्बन जीरो कार्बन लॉजिस्टिक चेन, अमोनिया शिप्स है ना, इलेक्ट्रिक ट्रक, एंड देन उसके बाद में मोबिलिटी एज सर्विसेज एफिशिएंट, जिसके अंदर आप साइकिल वाइकल यूज कर दो, इलेक्ट्रिक गाड़ियां। क्लियर जगजीत? कोई बात नहीं है, इस समय सुनो अभी ये शुरू का समय है। ना मैं क्या कह रहा था, ये बहुत जरूरी है, शुरुआत में डाउट पूछ लोगे, अगर शुरुआत में डाउट पूछ लोगे तो बहुत काम आएगा है ना। व्हीकल्स नॉट प्रोड्यूसिंग कार्बन, एग्जैक्टली ओला है ना, ओला का स्कूटर की फैक्ट्री कहाँ लग रही है आजकल, तुम लोग खूब नेट पे ऐड देख रहे होंगे, वर्ल्ड की लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर फैक्ट्री कर्नाटका की तमिलनाडु बेंगलुरु के पास में। ठीक है वेरी गुड कर्नाटका, वेरी गुड है ना, ये पता होना चाहिए बेटा इतना तो। चलो ये हो गया, इसके बाद में ये वाला भी तुमको समझ में आ गया, एंड द जर्नी ऑफ जीरो इमिजन सॉल्यूशन, छोटी सी बात है तुम लोग इसको पढ़ लेना बस एक बार। ठीक है
एंड अगर हम लोग बात करें रेस फॉर नेट जीरो, तो किस किस कंट्री ने क्या क्या कर रखा है ये तुम्हें पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा। गुड नाइट, टेक केयर, एंड जिस किसी बच्चे ने अब तक एडमिशन नहीं लिया है कोई इशू नहीं है, बट कल लास्ट डेट है हमारे डेमो की, एंड ठीक है जैसा तुम लोगों को समझ में आए। जिसने ले लिया है थैंक यू वेरी मच, अपन लोग साथ में बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।